शीतला सप्तमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मां शीतला की पूजा के लिए रात से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। शहर के सभी शीतला माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी भक्तों ने मां शीतला का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़वानी में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता का पूजन किया। महिलाओं ने पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही एक दिन पूर्व बना ठंडा भोजन ग्रहण किया। शहर के दर्जी मोहल्ला गली स्थित शीतला माता मंदिर में बुधवार रात्रि 12 बजे के बाद से ही पूजन के लिए महिलाओं की लाइन लगना शुरू हो गई थी। शीतला माता की मान्यता यह है कि माता जी बूढ़ी अवस्था में चले तो उनके ऊपर किसी ने गर्म जल डाल दिया तो उनको फफूले हो गए और जाते जाते एक कुमार के घर वो पहुंच गए और कुमारनी ने पानी से उनका ठंडे जल से स्नान कराया तो माता जी ने वहीं उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और फिर जब माता जी का ठंडा भोग बनना चालू हुआ तो उसमें जो भी अपने से बन सकता है वो सब ने करा तो उनको ठंडा ही भोग लगता है। क्या मान्यता है? शीतला माता की पूजा साल में 3 बार होती है और रात के 12 बजे से भीड़ चालू हो जाती है। यहाँ पे प्रसादी ढाई क्विंटल की नुक्ति बांटी जाती है और ये बच्चों की माता है, रोगी धोगी की माता है। जो भी इनकी पूजा करता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। बासी भोजन करते हैं, बासी भोजन की मान्यता है। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके तहत महिलाओं ने इस दिन शीतल मंदिर में पूजन कर दर्शन किए। वहीं वार्ड नंबर 2 स्थित शीतला माता मंदिर पर रात्रि 12 बजे से ही पूजन शुरू हो गया था। महिलाओं ने संकल्प के बाद विधि विधान से माता शीतला की पूजा की। इसके बाद एक दिन पहले बनाए मेवे मिठाई पुआ पूरी आदि का भोग लगाकर शीतला सप्तमी की कथा सुनाई। हमारे रवि बिहार की तरफ से 12 सालों से लगातार टेंट की लाइट की व्यवस्था उनके तरफ से रहती है और वो भी सतत रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक वो भी यहीं पे रहते हैं और सेवा देते हैं माता रानी के दरबार में। पूजा का ये महत्व है कि 6 रोगों से बीमारियों के दूर रहती है इस माता जी के पूजन से और महिलाओं को सुख घर में सुख समृद्धि के लिए पूजन किया जाता है। माता ठंडक देती है। शीतला माता का एक पावन त्यौहार है, इसमें एक दिन पहले से खाना तैयार किया जाता है। माता जी को भोग लगाने के लिए 17 तरीके की चीज़ें बनती हैं, फिर वही भोग ठंडा करके माता जी के दिन अगले नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के माता जी को ठंडे पानी से कच्चे दूध से दही से सब चढ़ाकर माता जी की पूजा की जाती है। वहीं खातेगांव में शीतला सप्तमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद शीतला माता मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आरोग्यता की कामना कर ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया गया। भोजन प्रसादी बनाकर सभी माता बहने पूरे श्रद्धा और भाव के साथ और सप्तमी के दिन ठंडा बासी, क्योंकि शीतला माता का ऐसा है कि आज के दिन ठंडा भोजन उनको चढ़ता है और मनोकामना करते हैं कि वे निरोगी रहे, उनके घर में धन सम्पन्न रहे, सारी व्याधियाँ दूर हो, इस तरह की कामना करके माँ शीतला माता के दरबार में सभी माता बहने रात को 11 बजे से लाइन लगाकर यहाँ पर खड़ी हुई है और ये करीबन नगर कन्नौज की 5 से 7 हज़ार महिला थालियों में लेकर और श्रद्धा भावना के साथ पूरी रात यहाँ पर इंतजार करते हैं और माँ शीतला माता के दरबार में पूजन अर्चन करती है। आगर मालवा से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सिरपोई में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शीतला सप्तमी का भव्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कुल मिलाकर शीतला सप्तमी के दिन महिलाओं में माता की पूजा के लिए खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।